इन सभी में से कोई भी यूज कर आप लो, अगर पहले 7 दिन में कोई भी मेजर दिक्कत आपको आती है इंजन या फिर गियर बॉक्स में, तो आपके पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलता है जीएसएम मोटर्स, जो कि एक यूज कार डीलरशिप है वाशी नई मुंबई में। मेरा नाम है भाविन, आप देख रहे हो ऑटो रेव। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये वाली वर्ना और सीएस की डिटेल्स देने वाला हूँ। अगला वीडियो आएगा ये वाली वर्ना जो कि ऑटोमेटिक है और होंडा सिटी के बारे में, तो उसके लिए आप चैनल पे बने सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो बटन प्रेस कर देना, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, ताकि और ऐसे वीडियोस के अपडेट्स नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे बजे। इंस्टाग्राम आप चेकआउट कर सकते हो, उस पर काफी सारे रील्स जो है वो आते रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाली वरना से। तो ये 2017 का मॉडल है, सिंगल ओनर है, इंश्योरेंस वैलिड है। कार के अंदर जाते हैं और मैं आपको कार दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक क्विक लुक दे देता हूँ इस कार का। तो साइड प्रोफाइल जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा, फ्रंट प्रोफाइल आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे। इस साइड से अगर आप देखेंगे तो कार कुछ इस तरह से दिखती है, और मैं आपको जो बैक प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे फॉर्च्यूनर का वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे कि आप देख सकते हो 1.6 SX वेरिएंट है ये। कार के अंदर चलते हैं और क्विकली मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, और फिर ओके लेट मी अनलॉक द कार। तो यहाँ पे चाबी जो है वो कुछ इस तरह की आपको मिल जाती है। यहाँ पे कार कर लेते हैं अनलॉक, और ये हो गया दरवाजा ओपन। इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इंटीरियर, यहाँ पे वुडन फिनिश है, यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के डोर हैंडल्स दिए गए हैं, स्टेयरिंग व्हील कवर यहाँ पे आपको मिल जाता है, स्क्रीन जो है कुछ इस तरह की आपको मिल जाती है, डैशबोर्ड बड़ा यहाँ पे दिया गया है, वुडन ट्रीटमेंट यहाँ पे है, मैनुअल गियर बॉक्स है, पेट्रोल मैनुअल ये कार है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिलता है क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। यहाँ पे कुछ इतना स्पेस आपको इसके ग्लव बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको कार स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बाय द वे आई हैव टू पुट द की। यहाँ पे आपको लिवर मिलता है लाइट के लिए, यहाँ पे लिवर मिल जाता है वाइपर के लिए, यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए हैं वॉल्यूम के लिए, और यहाँ से आप जो है कॉल एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। तो स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे कितनी किलोमीटर्स गाड़ी चली है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 48,198 किलोमीटर्स गाड़ी जो है वो यहाँ पे चली हुई है। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, ये गाड़ी हो गई आपकी स्टार्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकेंड रो स्पेस के बारे में, क्विकली मैं आपको दिखाता हूँ, फिर चलेंगे नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ। ऑल राइट, सो अब मैं आ चुका इनसाइड द कार। जैसे कि आप देख सकते हो एक हाथ जितना यहाँ पे नी रूम बच रहा है, यहाँ पे पैर आप स्ट्रेच कर सकते हो दोनों ही तरफ। यहाँ पे हम्प जो है बड़ा वाला नहीं है, तो मिडिल पैसेंजर को दिक्कत नहीं आएगी। कंफर्टेबल सीट यहाँ पे आपको मिल जाती है, शोल्डर रूम को इतना आपको मिल जाता है, हेडरेस्ट है, आमरा यहाँ पे आपको हैंडल दिया गया, लाइट दिया गया, हैंडल दिया गया है, यहाँ पे कप होल्डर भी आपको मिल जाता है, पीछे भी आपको वुडन ट्रीटमेंट मिल जाती है। सो ये बात रही अबाउट दिस कार। अब इसके प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, इस कार की जो ऑफर प्राइस है दैट इज 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए इसकी प्राइसिंग रखी गई है। जो आप डीलरशिप विजिट करेंगे तो वहां पे जो है आपको नेगोशिएबल ये प्राइस हो जाएगी। सो ये बात रही अबाउट द वरना। अब बात करते हैं सिटी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे वरना के बारे में। ये ऑटोमेटिक वेरियंट है, और फिर होंडा सिटी के बारे में बात करेंगे। सीएस 2017 का मॉडल है, सिंगल ओनर है, इंश्योरेंस वैलिड है, और ये डीजल कार है, वीडीआई प्लस वेरिएंट है। फ्रंट लुक यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्रोम ग्रिल आपको मिल जाती है, यहाँ पे फॉग लाइट आपको मिल जाएगी, लाइट्स कुछ इस तरह की मिल जाती है। साइड से मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ, तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह का है, इस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल यहाँ से कुछ इस तरह का है। कार के अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है क्विकली इस कार का बैक प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो बैक प्रोफाइल यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाता है, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ये कार आती है। एंड अब चलते हैं कार के अंदर, मैं आपको स्टार्ट करके इसके किलोमीटर्स दिखाता हूँ, फिर स्पेस देखेंगे, और फिर बात करेंगे इस कार के प्राइसिंग के बारे में। यहाँ पे भी आपको वुडन ट्रीटमेंट है, यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल है, चारों पावर विंडोज आपको मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर यहाँ पे दिया गया है, डैशबोर्ड इंटीरियर आपको जो है ड्यूल टोन में मिल जाएगा, स्टीयरिंग कवर यहाँ पे है, सीट कवर्स भी लगाए गए हैं, तो उसका भी एडिशनल खर्चा आपको आने नहीं वाला है। यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी। तो ये रही 88,350 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ये गाड़ी हो गई स्टार्ट, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो। ऑल राइट, सो कॉपीराइट इशू आया, इसके लिए मैंने जो है वॉल्यूम इसका डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन जो है वो लगाई गई है, तो वो भी आपका सॉर्टेड है। यहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका एसी के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको आपके दो कप होल्डर्स हैं, स्मूथ शिफ्टिंग गियर बॉक्स के साथ ही कार आती है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, ये कोई इस तरह का इंटीरियर आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेस के बारे में। स्पेस जैसे कि आप देख सकते हो भर भर के यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाता है बहुत ही ज़्यादा। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, मेरे पूरे हाथ जितना यहाँ पे आपको जो है नी रूम मिल जाता है, पैर आप स्ट्रेच कर सकते हो, एसी वेंट्स है, चार्जिंग पोर्ट है,
फ्लोर अगेन ऑलमोस्ट फ्लैट है तो मिडिल पैसेंजर को दिक्कत नहीं आएगी। साइड में आपको जो कितनी स्पेस मिल जाती है, आराम से आप तीन लोगों को बिठा सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है दो कप होल्डर्स के साथ। हैंडल दिया गया, लाइट दी गई है, हैंडल दिया गया है विथ अ हुक, और यहाँ पे भी आपको आपका कप होल्डर मिल जाता है, क्रोम डोर हैंडल यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो ये बात रही अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार। अब बात कर लेते हैं इस कार के प्राइसिंग के बारे में और फिर हम लोग चलेंगे हमारी नेक्स्ट वर्ना की तरफ। तो दोस्तों ये जो सियाज है इसकी प्राइस रखी गई है 7.5 लाख रुपए। अगेन नेगोशिएबल है जब आप डीलरशिप विजिट करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अब हमारी वर्ना के बारे में और फिर बात करेंगे होंडा सिटी के बारे में।